So I have spent almost a month in Goa with my friends and explored a lot of unknown places, which I will be showing you in this travel series. And here is just a glimpse. You remember, I missed the sunset in the last episode. So today I'll be taking you to one of the best sunset point in Goa. And I promise, after watching this video, you will never going to miss this point whenever you're going to Goa. And today weather is also clear, so it's going to be amazing. तो आज हम शाम में निकले हैं और मेरे साथ आज ट्रैवलिंग मंडेज। हाय एवरीवन, कैसे हैं? हाउ आर यू? भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो वी आर मीटिंग आई थिंक आफ्टर 2 इयर्स। यस, हम लोग केरला के और आज मिल रहे हैं। यस, आज हम मिल रहे हैं इतने ब्यूटीफुल स्पॉट पे कि मजा आ जाएगा। सो द लोकेशन इज अग्वाडा फोर्ट, बट देयर इज अ कैच। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड जस्ट गो टू द फोर्ट, बट इफ यू लुक एट द लेफ्ट साइड देयर इज अ पार्किंग स्लॉट। So from the end of the road, you have to trek for a few minutes to reach to this amazing point. एक्चुअली इसकी फ्लाइट है, जब पता नहीं ये जाएगा नहीं जाएगा, बट मैं इसको कन्विंस कर रहा हूँ कि ये ना जाए। थोड़ा ऐसा डाइसी है, बट लगता है कि रुक ही जाऊँगा। अब ये लोग इतना दिल से रोक रहे हैं तो कितना सुंदर लग रहा है यार, देख के। एक पैच के ऊपर सनलाइट गिर रही है, इट्स ब्यूटीफुल। नाइस, चले आगे, रुक। हाँ, थोड़ा फील तो लेने दे इस जगह। लुक एट द व्यू गाइस। एक इम्पॉर्टेंट बात यार, इतनी अच्छी जगह पर यहाँ पे भी कचरा पड़ा हुआ है, विच इज़ वेरी स्ट्रेसफुल एंड नॉट गुड। सी, क्योंकि हम सोचते हैं अपनी जगह है यार, इतने लोग गंदा कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं तो। बट इफ़ यू कैरी इट बैक, इट विल बी द बेस्ट थिंग। हम यहाँ पे बोले शॉर्ट ले सकते हैं। ले भाग। ला 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 ला। वो यहाँ पे स्कूटी भी आती है। दिस समथिंग आई रोड फर्स्ट टाइम, बिल्कुल। सो आई गेस ये लोकेशन है अग्वाडा फोर्ट से थोड़ा सा आगे आने पड़ता है, राइट? अग्वाडा फोर्ट से आपको पार्किंग तक आना होगा। पार्किंग के पास में एक जंगल का छोटा सा ट्रेल शुरू हो रहा है, ट्रेल को फॉलो करोगे तो पहाड़ को एंड, पहाड़ के एंड पे ले आएगा। पूरे गोवा में अगर आप जाते हो तो सब लोग केवल बीचेस के बारे में बात करते हैं, बट इफ यू विल कम टू दिस स्पॉट, यू विल गेट माउंटेन विद द बीच व्यू एंड विद अ वेरी ओपन ब्यूटीफुल ग्रास फील्ड लोकेशन। So, it's very amazing location. और यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है। See guys. Pretty fun. It's very wide open. Oh my God. You can run, or पीछे background में this whole landscape will come. See this? Oh, nice. Woo! एक बार view देखो यार आप।
इट्स लाइक ए डब्ल्यू ओए हियर. आप देख रहे हो बीच में डब्ल्यू जैसी शेप बनी हुई है. हाँ. और वहाँ पे लोग चिल कर रहे हैं. वहाँ पे एक छोटी सी केव भी है, जैसे बाली में है वैसे एक केव भी है. अच्छा यार ये तो सो गाइस अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेक श्योर यू हैव टू डेज. मुझे लगता है कि एक दिन में कंप्लीट होने वाले बहुत ज़्यादा एरिया है. हाँ अगर आप जल्दी जल्दी जाओगे फास्ट फास्ट तो हो सकता है. और वहाँ नीचे देखो देखो वहाँ पे लोग हैं. वहाँ पूरा जाने का रास्ता यहाँ से ऐसे नीचे जा सकते हो. वहाँ पर जा सकते हो. ये पूरा ऐसे फील्ड और रास्ता है. I think some other day I'll come here in the morning as well, just to see how this place will look. So you can expect a vlog. Guys, vlog की ending यहीं पे हो रही है. हम काफी देर से यहीं पे shoot कर रहे थे. मेरा actually मैं camera भी dead हो गया है, तो ये finally मैं GoPro से record कर रहा हूँ. And after that, my GoPro also died. Apparently, I think I'm too smart, but I'm not because I forgot to charge the batteries. Anyway, that's the end of the vlog. I hope you enjoyed, and if you did, then do hit a like button and guys, share this video. That is really important. Share this video and subscribe to the channel for future videos. With that said, guys, I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye-bye. Dhanyavaad.